अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कलर है, ये दो मादा दो नर है। ये आप लोगों के लिए शौक के लिए करवा रहा हूँ। ये मेरे कबूतर हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भाई लड़ाई नहीं करो, पहले वीडियो बनवा लो। ये देखें, जगह चेंज की है ना। ये देखें दोस्तों, इस वीडियो के साथ मेरी लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। आपको मैं अच्छे अच्छे कबूतर दिखाता हूँ, शौक करवाता हूँ आप लोगों को, तो आपका भी मोहब्बत में फर्ज बनता है। जबरदस्ती नहीं है, कोई नहीं करना चाहे कमेंट्स तो नहीं करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन काफी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कीमत मालूम करते हैं कबूतरों की, तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ उसी को। मैं जो कमेंट्स करता हूँ उसी को रिप्लाई करता हूँ। वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स करता है उसी को रिप्लाई करता हूँ मैं। ये देखें, ये इंडियन कबूतर है, प्योर अमृतसर कबूतर। ये अंधेरा हो रहा है, मगरिब की अजानें हो रही हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के साथ एक आपको छोटा सा एक नुस्खा बता रहा हूँ। वैसे तो काफी बीमारियों में काम आता है ये नुस्खा, अगर आप लोग बनाना चाहें तो। छोटा सा है और अच्छा है नुस्खा, अगर आप लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे फायदा बहुत होगा। जैसे कबूतर कमजोर होता है या सूखे में आ जाए या कोई बीमारी से, नहीं नहीं कोई बीमार हो जाए, सुस्त हो जाए कबूतर, दोस्तों, या ताव खा जाता है, कभी गर्मियां शुरू होने वाली है, मौसम चेंज होने वाला है, तो उसके लिए छोटा सा है आसान सा नुस्खा है। उसके लिए थोड़ा सा जो जितना चाय बना ले उसको खराब नहीं होती है ये चाय, आप उसको सालों साल रखें। ये नुस्खा बता रहा हूँ आपको, खराब नहीं होगी ये, ना एक्सपायर होगी। इसको आप रखें, भले फ्रिज में रखें, बाकी रखना ठंडी जगह पर है, नहीं तो पिघल जाए, पिघल जाता है। ये जो नुस्खा आपको बता रहा हूँ मैं, ये अंजीर ले लें, दो दो अंजीर ले लें, मिल जाती है आसानी से अंजीर दो। सही है दोस्तों, और थोड़ा सा गुड़ ले लें, समझो कि एक छुटांग गुड़ ले लें, एक छुटांग गुड़ ले लें उसको, काला गुड़, एक छुटांग काला गुड़। लेकिन गुड़ पुराना होना चाहिए, काला गुड़ जिसको काला गुड़ कहते हैं, पुराना गुड़ पुराना होना चाहिए, काला गुड़। सही है, और चार जो ना लहसुन के टुकड़े ले लें, लहसुन के पीस निकाल लें चार, अपना लहसुन होता है उसको चार टुकड़े निकाल लें उसमें से। दोस्तों, इसका एक पेस्ट बना लें, एक फिर इसको पीस लें, ये आम दस्ते से कूटेंगे तो पीस जाए, पेस्ट बन जाएगा इसका, और इसको आप रख लें बल। सही है इसको दोस्तों, इसको अगर इसकी गोलियां बनाना चाहें तो गोलियां बना लें दोस्तों, इसकी गोलियां बना लें, चने के जितनी, चने के दाने जितनी गोलियां बना लें। तो कबूतर को देखो, कोई सुस्त हो रहा हो कबूतर, नया नया कबूतर सुस्त हो रहा हो, या कोई सूखे में आया हुआ हो कबूतर, दोस्तों जैसे ताव खा जाए तो इसको दें। जो कबूतर ताव खा जाते हैं ना, कबूतर पानी ज़्यादा पी रहा होता है, तो उसको दें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी शफा होगी इससे। कबूतर को सुस्त हो या कुछ भी चीज़ हो,
इंशाल्लाह देंगे ना तो इंशाल्लाह दूसरे दिन ही आपको रिजल्ट आएगा इसका। और बहुत अच्छा नुस्खा है दोस्तों, आजमाना आप लोग। अंधेरा हो गया दोस्तों, वीडियो बंद कर रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह फिर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा मैं और अच्छी अच्छी वीडियो नुस्खे के साथ ही।